खाना खजाना में मैं संजीव कपूर आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताता हूं जो मैंने आज तक पहले कभी नहीं बताई। वैसे तो ऐसी कोई डिश नहीं है जिसे मैंने दो बारी खाना खजाना में आपको बताया हो। वो इसलिए क्योंकि खाना बनाना इतना आसान है कि नई नई डिशेज आप हमेशा बना सकते हैं, आप नई नई क्रिएशंस करते रह सकते हैं। जैसे घर में हम खाना बनाते हैं, उसमें कोई आप नया इंग्रेडिएंट डाल दें और नई डिश हो गई। तो नई डिशेज देखते हैं, आप भी बनाइए, मैं भी बनाता हूँ, आप भी खाइए, मैं खिलाता हूँ। शुरुआत करते हैं स्पाइसी चीज़ एंड योगर्ट डिप से। इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम पनीर, 150 ग्राम दही, 3 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ रेड कैप्सिकम, 3 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा कैप्सिकम, 3 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ पीला कैप्सिकम, 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ कुकुम्बर, आधा छोटा चम्मच मस्टर्ड पाउडर, 2 बड़े चम्मच टबैस्को, नमक स्वादानुसार और 1/4 छोटा चम्मच वाइट पेपर पाउडर। इस डिप के लिए आप पनीर ले लें और पनीर को आप ग्रेट कर लें। अच्छी क्वालिटी का पनीर लेके आप उसे ग्रेट कर लें और इसके बाद इसमें हम डालेंगे दही, क्योंकि कॉटेज चीज़ एंड योगर्ट डिप है तो इसके अंदर ये दोनों चीज़ें हम डाल रहे हैं। दही को अच्छी तरह से फेंट लें और उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। इन दोनों चीज़ों को हमने मिक्स करना है। इसे बीट कर लेते हैं हम। यदि आप चाहें तो इस डिप को लो फैट भी बनाया जा सकता है। उस केस में जो आप पनीर इस्तेमाल करें वो भी लो फैट या नो फैट मिल्क से बनना चाहिए और दही भी आप स्किम मिल्क से बनाएं। जब आप दही और पनीर को अच्छी तरह से मिक्स कर लें तब आप इसके अंदर बाकी चीज़ें डालें, जैसे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास तरह तरह की शिमला मिर्च है, हरी है, पीली है, लाल है। यदि आपको ये पीली और लाल नहीं मिले तो आप उसके बगैर भी बना सकते हैं। आप इसके अंदर थोड़े से टमाटर डाल सकते हैं बिना छिलके के और इसके बाद इसमें मिलाएं कुकुम्बर यानी खीरा बारीक कटा हुआ। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं हम। और अब इसमें हम मिलाएंगे नमक और टबैस्को सॉस, क्योंकि स्पाइसी है तो टबैस्को थोड़ी ज़्यादा डलेगी इसके अंदर। टबैस्को आप डाल लें। टबैस्को डालने के बाद इसमें डालें मस्टर्ड पाउडर और वाइट पेपर पाउडर। इन सब चीज़ों को भी मिक्स कर लें। अब ये तो तैयार हो गई डिप, लेकिन डिप का किया क्या जाए? डिप को खाया जाता है किसी चीज़ के साथ, जैसे आप खीरा, गाजर, सेलरी, इनकी स्टिक्स के साथ इसको खा सकते हैं। आप उसके साथ ले सकते हैं स्प्रिंग अनियन, जो हरे प्याज हैं, आप इस तरह से उसे ले लें और ऐसे लंबा काट लें उसे और इसको अच्छी तरह से सर्व करें, यानी सजा के सर्व करना चाहिए। इस तरह से स्प्रिंग अनियन रख लें आप। उसके बाद ये जो डिप है इसे आप लेकर एक बोल में रखें और इसके बाद आप चाहें तो बीच में कुछ पार्सले लीव्स या मिंट लीव्स लगाकर इसको आप इसी तरह से सर्व करें। इसके लिए ग्रेटेड पनीर में दही डालकर इसे मिला लें। उसके बाद इसमें बारीक कटी हरी कैप्सिकम, पीली कैप्सिकम, लाल कैप्सिकम और बारीक कटा खीरा डालकर इसको अच्छी तरह से मिला लें। उसके बाद इसमें नमक, टबैस्को सॉस, मस्टर्ड पाउडर और वाइट पेपर पाउडर डालकर मिलाएं और इसे कटी वेजिटेबल्स के साथ सर्व करें। ये तो आपने देखी एक बहुत ही आसान सी एक स्पाइसी डिप। क्योंकि ये डिश इतनी आसान थी तो कुछ एक मुश्किल डिश देखते हैं। ये एक ऐसी डिश है जिसकी आपने बहुत डिमांड की है, आपने कहा है कि ऐसी रेसिपी हमारे कार्यक्रम में कभी नहीं दिखाई गई। तो आज देखिए चिकन स्टेक सिजलर। इसके लिए हमें चाहिए एक बोनलेस चिकन ब्रेस्ट, 200 ग्राम चिकन मिंस, नमक स्वादानुसार, आधा कप स्लाइस किए हुए मशरूम,
एक छोटा चम्मच क्रश्ड पेपरकॉर्न, दो बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज, एक बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, दो बड़े चम्मच मक्खन, एक छोटा चम्मच मैदा, दो बड़े चम्मच वूस्टरशायर सॉस और अकम्पनीमेंट के लिए बॉइल्ड वेजिटेबल, ग्रिल्ड टमाटो और फ्रेंच फ्राइज। चिकन स्टेक सिजलर में दो भाग हैं, एक तो है चिकन स्टेक और दूसरा है सिजलर, यानी इसको सिजलिंग किस तरह से सर्व किया जाए। उसके लिए आपको ज़रूरत है सिजलर की, यानी सिजलर प्लेट की और उसका ये बेस। ये जो सिजलर प्लेट है ये काफ़ी मोटी होनी चाहिए, जितनी मोटी होगी उतना उसके अंदर हीट रिटेन करेगी, लेकिन उसका मतलब ये भी है कि उसको गर्म करने में काफ़ी समय लगेगा। आप जब ये डिश की तैयारी शुरू कर रहे हो तो आप सिजलर प्लेट गैस के ऊपर रख के उसको खूब गर्म कर लें, अगर वो लाल भी हो जाती है तो घबराइए नहीं, उतना ही अच्छा धुआं निकलेगा। अब इसके बाद हम तैयारी करते हैं चिकन स्टेक की। आप बोनलेस चिकन ब्रेस्ट ले लें और इसके बाद इस तरह से हम उसको काटेंगे। इसके बाद आप इसको नाइफ से इस तरह से, नाइफ के उल्टे हिस्से से ऐसे थोड़ा प्रेस कर लें। और अब हम लेते हैं चिकन का कीमा और इस चिकन के कीमे में थोड़ी सी वूस्टरशायर सॉस मिलाएं और थोड़ा सा नमक। इन दोनों चीज़ों को मिलाने के बाद इस चिकन कीमे को मिक्स कर लें। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा पेपरकॉर्न भी डाल सकते हैं, क्रश्ड पेपरकॉर्न यानी कुटी हुई काली मिर्च। इसे इस तरह से मिक्स कर लें और इसके बाद इस कीमे को लेकर आप इसके ऊपर रखें। आप अपने हाथ को गीला कर लें और गीले हाथ से इसको इस तरह से प्रेस करें। आप इसको इस तरह से उठा लें और अब आप दोनों हाथों के बीच में इसे इस तरह से शेप दे दें। इसमें एक तरफ चिकन की ब्रेस्ट है और दूसरी तरफ इस तरह से कीमा है, किनारे से ऐसे आप जोड़ लें। अब इसकी हम सॉस तैयार करते हैं। इसको पकाने से पहले इसकी हम सॉस तैयार करेंगे और सॉस के लिए आप एक बर्तन में मक्खन और उसके साथ उसमें मिलाएं थोड़ा सा तेल। अब ये मेल्ट हो गया है, अब डालें इसमें आप बारीक कटा हुआ लहसुन और बारीक कटा हुआ प्याज और इसके साथ इसमें डालें कटे हुए मशरूम। इन सब चीज़ों को हमने सौते करना है साथ में। अब इसमें हम डालेंगे मैदा और इस मैदे को इन सब चीज़ों के साथ भूनेंगे ताकि जो मैदे में कच्चापन है वो निकल जाए। जैसे हम नॉर्मल वाइट सॉस के लिए मैदे को भूनते हैं उससे थोड़ी ज़्यादा देर के लिए इसमें हमने भूनना है इसे। जितना आप मैदे को भूनता जाएंगे उसमें से उसकी जो थिकनिंग प्रॉपर्टीज हैं वो कम होती जाएगी। जब भी कभी आप सिजलर सर्व करें उसके साथ में आप कुछ अकम्पनीमेंट्स ज़रूर दें, यानी सिजलर जो भी चीज़ का हो आप उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें सर्व करें। ट्रेडिशनली फ्रेंच फ्राई सर्व की जाती हैं, वेजिटेबल सर्व की जाती हैं, ग्रिल टमाटो सर्व किया जाता है, ये आपके ऊपर है कि आप क्या अकम्पनीमेंट सर्व करना चाहते हैं। ग्रिल टमाटो की बात आई है तो ग्रिल टमाटो बनाने के लिए आप अच्छा एक लाल टमाटर ले लें और इस तरह से इसे काट लें, ऊपर से एक क्रॉस बना लें, चीरा डाल लें और इसको ग्रिल करने के लिए आप चाहें तो ये जो सीजनिंग प्लेट तैयार हो रही है इसी के ऊपर आप कर सकते हैं, ये पकता रहेगा अपने आप। आप ये देखिए प्लेट कितनी गर्म है कि इतनी जल्दी ये टमाटर इतना लाल हो गया है। आप थोड़ा सा तेल इस पे लगाएं, ये देखिए कितनी गर्म प्लेट है। सब तरफ से थोड़ा थोड़ा इसको हम पका लेते हैं और अब इसमें मैदा काफी अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे रेड वाइन, साथ साथ इसे आप मिक्स करते रहें क्योंकि इसके अंदर मैदा है, मैदा गाढ़ा होता जाएगा। इसमें काफी मात्रा में
हमने ये रेड वाइन डाली है, लेकिन इसको हम रिड्यूस भी कर रहे हैं, काफ़ी तेज आंच पे इसे बना रहे हैं हम। सॉस को थोड़ा पतला करते हैं और इस सॉस के अंदर अब हम डालेंगे वूस्टरशायर सॉस। इससे टेस्ट और कलर दोनों ही बढ़िया होंगे सॉस के। अभी तक हमने चिकन पकाया नहीं है, लेकिन अब हम तैयारी कर लेते हैं चिकन को पकाने की, लेकिन उससे पहले इस सॉस को फिनिश कर देते हैं, यानी पूरा पका लेते हैं हम, क्योंकि मशरूम और पेपर की सॉस है तो इसमें काली मिर्च लें आप और उसको फ्रेशली कूटें, यानी जब आपको इस्तेमाल करना हो ये काली मिर्च उसी समय इसको कूटें आप और उसे इसके अंदर डालें। इसके साथ इसमें डालें नमक। अब ये सॉस तैयार हो गई है, इसको आप निकाल के अलग रख लें या इसी तरह से गर्म रख लें। सॉस बनने के बाद अब हम पकाएंगे इस चिकन स्टेक को। उसके लिए आप एक पैन में तेल गरम कर लें। तेल जब गरम हो जाए तब आप इस ये जो चिकन है इसे हम पकाएंगे। ये चिकन का कीमा है, ये ऊपर से तो कीमा नज़र आ रहा है, लेकिन ये नीचे चिकन ब्रेस्ट है जिसे फैलाकर उसके ऊपर हमने ये चिकन का कीमा लगाया है। इसकी वजह से इसके अंदर जो जूसेस हैं वो काफ़ी बरकरार रहेंगे और कुछ अच्छा खाने में टेस्ट भी आएगा, क्योंकि चिकन का जब मीट खाया जाता है और मिंस खाया जाता है दोनों के टेस्ट में काफ़ी फ़र्क आता है। इसके अंदर दोनों का मज़ा लीजिए। अब ये तेल गर्म हो गया है और इसे गर्म तेल में हमने पकाना है ताकि इसकी जो चिकन की बाहर की लेयर है, जो नीचे की साइड है, उस पर अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आना चाहिए। जब तक ये पकता है मैं आपको बता दूं किसके साथ आप क्या क्या सर्व कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया आप बॉइल्ड वेजिटेबल सर्व कर सकते हैं, आप इसमें कॉलीफ्लावर को बॉयल करके उसको पीसेस में काट के सर्व कर सकते हैं, बीन्स को बॉयल करके उसको सर्व कर सकते हैं, प्याज प्याज को ग्रिल करके सर्व कर सकते हैं। आप प्याज को इस तरह से लंबा लंबा काट लें और उसके बाद पैन में थोड़ा सा तेल लेकर उसके अंदर वूस्टरशायर सॉस डालें, कुछ देर पका लें ताकि प्याज सॉफ्ट हो जाए, उसको सर्व कर सकते हैं। फिंगर चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, उसे इसके साथ सर्व कर सकते हैं और ग्रिल टमाटो। वैसे कोई अंत नहीं है, आप बहुत सारी चीज़ें सर्व कर सकते हैं। स्पिनच सर्व कर सकते हैं, पास्ता सर्व कर सकते हैं, राइस सर्व कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है आप क्या सर्व करना चाहें। अब इसे हम पलट देते हैं, देखिए कितना अच्छा कलर आ गया ये, और इसे दूसरी तरफ से भी इसी तरह से हमने पकाना है। चिकन को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता, वैसे भी जब कीमा पकाते हैं उसको पकने में बिल्कुल समय नहीं लगता, इसीलिए हमने सॉस पहले तैयार की थी, क्योंकि चिकन हम चाहते नहीं कि पक के पड़ा रहे और फिर हम सॉस की तैयारी करें, उस केस में उसके जूसेस निकल आते हैं और टेस्ट में मज़ा नहीं आता। कोई भी आप खाना खाएं तो उसमें ऐसा टेस्ट होना चाहिए कि आप बार बार खाएं और बार बार खिलाएं। अब इसको हम पलट देते हैं, देखते हैं दूसरी तरफ से कितना पका है ये। देखिए दूसरी तरफ से भी उतना ही अच्छा रंग आया है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ी वूस्टरशायर सॉस और इसके साथ इसको हम कुछ देर तक पकाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया चिकन को पकने में ज़्यादा देर नहीं लगती। अब इसे पलट देते हैं हम। कभी भी आप चिकन या मटन या ऐसी कोई चीज़ मीट बना रहे हो तो कभी भी उसको इस तरह से दबा कर ना पकाएं। ये ना सोचें कि दबाने से जल्दी पकेगा, दबाने से उसके जितने जूसेस हैं वो चले जाएंगे और ड्राई मीट आपको खाने को मिलेगा, इसलिए उसको ऐसे ही रख दें। आप चाहें तो इसको ओवन में भी आप पका सकते हैं। इतना पकने के बाद करीब 10 मिनट तक आप ओवन में पकाएं, उसके जो जूसेस हैं काफ़ी अच्छे अंदर रहेंगे। अब दोनों तरफ से इसमें काफ़ी अच्छा कलर आ गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे सॉस। ये जो सॉस हमने बनाई है उसको इसके अंदर डालेंगे हम और उसके साथ इसमें डालें पानी। पानी डालने के बाद इस चिकन को आप इस सॉस में पकाएं।
लेकिन अब ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर करीब 5 मिनट तक पकने दें। तब तक ये जो सिज़लर की प्लेट है ये भी काफ़ी गर्म हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर चेक कर लेते हैं कि ये गर्म है या नहीं है। काफ़ी गर्म है ये सिज़लर की प्लेट, और इसे अब हम उठाकर इस बेस के ऊपर रखेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी सनसी का ऐसे इस्तेमाल करें और इसको ध्यान से उठाएं, क्योंकि ये बहुत गर्म है। और इसे इस तरह से आप उठाकर यहाँ पर रखें। देखिए, दिखने में गर्म नहीं लगती लेकिन काफ़ी गर्म है ये। और इसके ऊपर अब हम कुछ पत्ते डाल देते हैं। यहाँ पर ये लेटस लीव्स हैं, ये लेटस लीव्स को डालते हैं यहाँ पर। और अब ये जो चिकन है ये भी रेडी हो चुका है। इस चिकन को रखेंगे इसके ऊपर हम, सॉस थोड़ी सी और रिड्यूस करते हैं, और इसके साथ साथ ये सब्जियों को थोड़ा गर्म करके आप रखें। बीन्स, ये टमाटर, कॉलीफ्लावर, आप चाहें तो इसमें गाजर, ऐसी सब चीज़ें डाल सकते हैं। जितनी सीजनल वेजिटेबल्स आती हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंच फ्राइज, ग्रिल्ड अनियन। अब देखिए ये अपने आप किस तरह से इतना धुआं इसमें आना शुरू हो गया है। और इसके बाद इसके ऊपर हम डालेंगे ये सॉस, ये जो सिज़लर की हमने सॉस बनाई है। और जैसे ही ये सॉस डलेगी आप देखेंगे कि इसमें से धुआं ज़्यादा निकलना शुरू हो गया है। यदि कभी आपको ऐसा लगे कि धुआं अभी भी कम है तो आप एक काम कर सकते हैं कि जहां पर ये आपको प्लेट नज़र आए आप उधर थोड़ा मक्खन, देखिए यहाँ मक्खन डालिए, देखिए कितना अच्छा सिज़ल कर रहा है, क्योंकि ये प्लेट काफ़ी गर्म थी। रेस्टोरेंट में देखा जाता है कि जब भी कोई सिज़लर ऑर्डर करता है, सिज़लर आता है, बाकी सब लोग उस टेबल की तरफ देखते हैं, क्योंकि ये दिखने में इतनी खूबसूरत है, खुशबू आपके पास आती है। घर में जब सिज़लर बनाएं तो आप देखेंगे सिर्फ आपके घर वाले ही नहीं, पड़ोसी भी आपसे पूछेंगे आज क्या बनाए खाने में। इसकी सॉस के लिए आप मक्खन में तेल डालें और उसमें बारीक कटा लहसुन, बारीक कटी प्याज और मशरूम को डालकर इसे सौते कर दें। उसके बाद इसमें मैदा को डालकर इसे भून लें। उसके साथ इसमें रेड वाइन डालकर इसे रिड्यूस करें। बाद में इसमें पानी मिलाएं और उसके साथ इसमें वूस्टर चाय सॉस डालकर मिला लें। अब इसके अंदर कुटी काली मिर्च और नमक डालकर मिलाकर इसे अलग रख लें। चिकन स्टेक के लिए चिकन ब्रेस्ट को बीच में से काटकर इसे फैलाकर नाइफ की उल्टी तरफ से इसे बीट करें। अब चिकन के कीमे में वूस्टर चाय सॉस और नमक डालकर मिलाएं। इसके साथ इसमें कुटी काली मिर्च मिलाकर इस मिक्सचर को चिकन ब्रेस्ट के ऊपर रखें और पानी से हाथ गीला करके इसे टिक्की की शेप दे लें। उसके बाद एक पैन में तेल लेकर इसे दोनों तरफ से फ्राई कर लें। उसके बाद चिकन के कीमे की साइड के ऊपर वूस्टर चाय सॉस डालें और इसे थोड़ा पकाकर इसके ऊपर मशरूम और रेड वाइन से बनी सॉस को डालें। इसमें थोड़ा पानी डालकर इसे ढक्कन लगाकर करीब 5 मिनट तक पकाएं। इसको सर्व करने के लिए गर्म सिज़लर प्लेट के ऊपर लेटस लीफ को रखें, ऊपर से चिकन स्टेक को रखें, साथ में उबली हुई बीन्स, ग्रिल्ड टमाटो, बॉइल की हुई गोभी, फ्रेंच फ्राइज, ग्रिल्ड अनियन और ऊपर से गर्मा गर्म सॉस डालकर इसे सर्व करें।